शॉपिंग मॉल में, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, डिफेंस एरिया में और यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस में भी आपने देखा होगा लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है या यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलियंस। ऐसा सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी और चोरी की निगरानी, जरूरत पे लोगों की पहचान और लोगों पे नजर रखने का काम किया जा सके। आजकल सीसीटीवी बहुत ही कॉमन डिवाइस हो गया है जिसे पर्सनल और कमर्शियल कामों में भी यूज किया जा रहा है। बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मंदिर और घरों में भी सीसीटीवी आपको दिख जाएंगे। सीसीटीवी लगवाने का ट्रेंड अब बड़े शहरों से होकर छोटी जगहों पे भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां बिजनेस का एक बड़ा स्कोप है। कैसे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, क्विक सपोर्ट का आज का केस स्टडी वाला वीडियो इसी की बात करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट साइज के बारे में। इंडिया का सीसीटीवी मार्केट काफी बड़ा है और 22.35% एनुअल ग्रोथ के साथ 2021 से 2026 तक ये सेगमेंट काफी आगे बढ़ेगा। और अगर ग्लोबल सीसीटीवी मार्केट की बात करें तो 2019 में ये लगभग $43 बिलियन का था, जो 2027 तक $145 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बिजनेस को समझना जरूरी है। किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाली चीजें हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट और अपग्रेड होती रहती है। साथ ही उन्हें ऑपरेट करना आना भी जरूरी है ताकि आप अपने कस्टमर्स को सही से डेमो दे पाएं, उनकी क्वेरीज सॉल्व कर पाएं और उन्हें बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की जानकारी दे सके। इसके लिए हो सके तो आप कोई ट्रेनिंग कोर्स भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप सीसीटीवी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो प्रोडक्ट देने वाली कंपनी ही ट्रेनिंग दिलवा देती है। इसके अलावा भी आपके अंदर चीजों को सीखने और समझने का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप हमेशा अपने स्टाफ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम कर लिया जाए जो सीसीटीवी में डील करता हो। अपने एक्सपीरियंस से आप सीख पाएंगे कि सीसीटीवी का फोकस कहाँ होना चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, कहाँ लगाने पे कैमरा सेफ रहेगा और बेस्ट फुटेज निकल के आएंगे, उनकी मेंटेनेंस कैसे होती है और इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। बिजनेस की बारीकियां सीखने के बाद जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो आपके पास नॉलेज भी होगी और कॉन्फिडेंस भी। अब है टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरास। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का बिजनेस करने के लिए आपको सीसीटीवी के अलग अलग टाइप्स की जानकारी और आपके पास उनकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि आप अलग अलग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। PTZ कैमरा। सीसीटीवी में सबसे बढ़िया कैमरा होता है PTZ कैमरा, जो वन ऑफ द बेस्ट गिना जाता है। PTZ का मतलब होता है पैन, टिल्ट एंड जूम। ये हाईली सेंसिटिव कैमरास होते हैं जो मोशन, साउंड और बदलते तापमान को पहचान लेते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मॉनिटर को वार्निंग भी दे सकते हैं और जैसे ही कैमरा के आगे कोई एक्टिविटी होती है तो ये तुरंत हरकत में आकर अपना काम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड सीसीटीवी। इंफ्रारेड सीसीटीवी को IR कैमरा भी कहते हैं। आमतौर पे ये रात को यूज होता है क्योंकि घने अंधेरे में भी ये कैमरा साफ देख पाता है। क्लियर फुटेज के साथ इससे अंधेरे में भी लोगों को पहचाना जा सकता है। डोम कैमरा। इस तरह के सीसीटीवी कैमरा को सीलिंग में, बस और ट्रेन में और हाईवेज पे बने टनल में लगाया जाता है। IP कैमरा। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा कहते हैं, जिसे आसानी से मोबाइल से कनेक्ट और ऑपरेट किया जा सकता है। ब्रॉडबैंड के जरिए इसे मोबाइल से जोड़ दिया जाता है और दुनिया भर में इस कैमरे की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। वाटरप्रूफ कैमरा। इस तरह के कैमरे वाटरप्रूफ होते हैं और खुले माहौल में इन्हें इंस्टॉल किया जा सकता है, जो सड़कों पे और ट्रैफिक में यूज होते हैं। अब है मार्केट रिसर्च। अपने एरिया में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का सर्विस शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए कि वाकई में लोग सीसीटीवी की सर्विस लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। साथ ही आपके एरिया में ऐसे कितने स्कूल, शोरूम, बड़ी दुकानें और इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट अगर आपके पास होगी तो आप उन्हें सर्विस लेने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च में आपको ये भी देखना होगा कि अगर मार्केट में पहले से कोई इस बिजनेस में है तो उसे कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसकी सर्विस कैसी है, उसके प्रोडक्ट्स और प्राइस रेंज का भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को उसी लिहाज से प्लान कर सके। नेक्स्ट इज लोकेशन। सीसीटीवी को आज भी लोग एक लग्जरी प्रोडक्ट और हाई क्लास के एंगल से देखते हैं। तो अगर आप किसी छोटी जगह पे हैं जहां आपको लगता है कि इस बिजनेस को उतना रिस्पांस नहीं मिल सकता, तो अपने नजदीकी शहर में या सेमी टाउन में अपनी शॉप खोलिए, जहां आबादी ज्यादा हो, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हो और लोग सीसीटीवी की इम्पोर्टेंस को समझते हो। साथ ही आपकी शॉप किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां आते जाते लोगों की नजर आपकी शॉप पे पड़े, या फिर मार्केट प्लेस या किसी बिजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में
जहां कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की दुकानें हो, वहां आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सप्लायर फॉर इक्विपमेंट, कोई भी बिजनेस को होलसेल या रिटेल मोड पे शुरू करने के लिए एक अच्छे सप्लायर की जरूरत पड़ती है जो सही कीमत पे आपको प्रोडक्ट की सप्लाई कर सके, क्योंकि इसी पे आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करेगा। अगर किसी सप्लायर के बदले अगर डायरेक्ट कंपनी से आपको प्रोडक्ट मिलने का लिंक मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात करनी पड़ेगी और उन शहरों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हब माने जाते हैं। अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में जा सकते हैं या फिर अपने राज्य की कैपिटल सिटी से भी सप्लायर्स का पता लगा सकते हैं। सीपी प्लस, गोदरेज, पैनासोनिक, सैमसंग, जीकॉम, ज़ेब्रोनिक्स, बोच, हनीवेल, एमआई जैसे ब्रांड्स सीसीटीवी के पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की कीमत 700 से 800 रुपए से शुरू होकर लाख डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा भी डेटा स्टोरेज, मॉनिटर स्क्रीन, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन फीस और बाकी इक्विपमेंट के लिए भी आपको अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। स्टाफ, अपना बिजनेस शुरू करते हुए कई बार जहन में होता है कि अगर सारा कुछ खुद कर सके तो दो चार पैसे बच जाएंगे, पर सीसीटीवी के लिए आपको कम से कम 3-4 लोग काम पे रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि बीइंग एन ओनर आपको अपने बिजनेस स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी। बिजनेस बढ़ाने पे भी ध्यान रखना होगा, इसीलिए कस्टमर को डील करने के लिए, प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, दुकान मेंटेन करने के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए आपको स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा स्टाफ मिल जाए जो ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम कर चुका है और सीसीटीवी की भी जानकारी है तो आपको ऐसा एम्प्लॉय रखने से काफी फायदा होगा। बाकी अपने शहर के हिसाब से आप उनकी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। सीसीटीवी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसके साथ आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम अप्लायंसेस, कंप्यूटर और एक्सेसरीज, वायर्स एंड केबल्स, लाइटनिंग इक्विपमेंट वगैरह भी रख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस होगी, क्योंकि अक्सर ही जब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाता है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जरूरी चीजों के बारे में पूछता जरूर है और यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बाकी जब भी आप किसी कस्टमर को सीसीटीवी इंस्टॉल करें तब पेपर वर्क जरूर कर लें। प्रोडक्ट की वारंटी क्या है, कब तक की सर्विसिंग फ्री है, वारंटी के बाद के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, मेंटेनेंस फी क्या लेते हैं, अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट के रूल्स क्या है। कस्टमर को जितना खुलकर आप चीजों को समझाएंगे उतनी ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। मिड रेंज का शॉप भी आप खोलेंगे तो आराम से ऑफिस स्पेस, कंस्ट्रक्शन, डेकोरेशन, लाइसेंस, रॉ मटेरियल्स एंड स्टॉक्स, स्टाफ और उनकी सैलरी, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कंप्यूटर, चेयर टेबल, रेंट और अदर एक्सपेंसेस को मिलाकर कम से कम 10 से 12 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा। बिजनेस कैपिटल की कमी पे आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं या लोन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन। सीसीटीवी प्रोडक्ट्स पे आसानी से 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी कमाया जा सकता है। ये काफी कुछ काम के स्किल और प्रॉफिटेबल रेंज पे आपको प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले सप्लायर पे डिपेंड करेगा। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप एक या दो सेल्स के बंदे भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो वहाँ नए ऑफिसेज, स्कूल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, मॉल्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगर क्लाइंट विजिट आप खुद कर पा रहे हैं तो ठीक, वरना सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एक दो लोग रखने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट इज बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अक्सर हमारे कई वीडियोस में हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले ही बताते हैं, पर लगभग ये सभी कुछ ज्यादातर बिजनेस में एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए ट्रेड लाइसेंस लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस का नाम रजिस्ट्रेशन, बिजनेस के नाम पे पैन कार्ड लेना, करंट अकाउंट खुलवाना, डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन रखना, कंपनी या बिजनेस का लेटर हेड रखना, ओरिजिनल बिल बुक और जरूरत पड़े तो बिलिंग सॉफ्टवेयर जैसी चीजें बहुत कॉमन है। ये सभी आपको करवाना ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इज कोर्स। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कोर्स नियर मी तो आपको कई सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम आपके लोकेशन के हिसाब से मिल जाएंगे। वहाँ आप पता कर सकते हैं। udemy.com पे भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कोर्स अवेलेबल है। वैसे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का कोर्स बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, 5 से 10 हजार रुपए के बीच आप ये सीख सकते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग ऑफ आईपी कैमरा, बेसिक ऑफ आईपी नेटवर्क, टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा और उनके बीच का अंतर, सीसीटीवी कैमरा काम कैसे करता है, फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा के टूल्स और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है। कोर्स कंप्लीट करने पे आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस एक्सपर्ट के तौर पर जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स करने के लिए 10th 12th ग्रेजुएट या टेक्निकल डिप्लोमा या ITI कर चुके कैंडिडेट्स योग्य हैं, जिनमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और मैथ क्लियर होना चाहिए।
इस वीडियो में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन को लेकर लगभग सभी चीजें कवर हो गई हैं। डिटेल्स में सीखने के लिए आप और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो को लेकर आप अपने ओपिनियन और फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।